हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज ऑलमोस्ट 3 दिनों के बाद कैमरा उठा रहा हूँ। सोमवार से बहुत काफ़ी बीमार चल रहा था, वो सर्दी और फीवर था। 2 डोज लेने के बाद में भी हुआ, लोगों को लग रहा था कि ये तो गया, इसको हो गया कोविड, पर ऐसा कुछ नहीं था, इट वॉज जस्ट फ्लू। आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी भी आवाज़ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और पुणे का वेदर भी इतना मूड स्विंग्स दिखा रहा है, मतलब सुबह ऐसे धूप निकलती है, शाम को जमकर बारिश होती है। तो कल की बारिश ने क्या हाल कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सब पत्ते पत्ते हो गए यहाँ पर, तो पहले इनको साफ़ करेंगे और फिर मैं आपको बाद में थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो गाइज़, अभी सब साफ़ सफाई हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। अगर आपके घर में या फिर घर के एरिया में साफ़ सफाई हो तो आप ही को एक अच्छा लगता है, और अगर साफ़ सफाई नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो लक्ष्मी जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे काफ़ी अच्छी वाइब्स आती है, दिखने में अच्छा लगता है और एक फीलिंग अच्छा आता है। तो मैं चलो आपको कैमरा एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। आज सुबह की मैंने तरंग लाई है, कल बहुत ज़्यादा बारिश ने पत्ते बिछा कर रखे थे, पत्ते मतलब अपने नॉट प्लेइंग कार्ड्स। अभी साफ हो चुका है बहुत सा, ये मैंने किया नहीं, थोड़ा सा आलस किया। और ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ इसके पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं, वैसे तो ये किसी काम का तो है नहीं, देखते हैं इसके बारे में क्या करते हैं। तो गाइज, आज से शुरू हो रहे नवरात्रि पितृपक्ष के बाद, और नवरात्रि शुरू होते ही हमें दिवाली की आहट होने लगती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये है हमारे घर की लक्ष्मी, और ये है भोग। तो गाइज, अभी खाना पीना सब हो चुका है, और क्या बताऊँ मैं यार आपको, 3 दिन के बाद कैमरा उठाने के बाद में जो खुशी मुझे मिल रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सोच रहा था, ऐसे लग रहा था कि बहुत ही कुछ मिस आउट हो रहा है, क्योंकि अभी तक 60 या 65 ब्लॉग मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं और सब्सक्राइबर्स है 74, तो शायद ऐसे लग रहा है कि बहुत ही जल्द मेरे वीडियोस मेरे सब्सक्राइबर्स को टेक ओवर करके आगे जाएंगे। कोई बात नहीं, होता है ऐसे। और मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा कि कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए या फिर बहुत ही कम है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। जो जो मेरे मन में आता है वो मैं ब्लॉग में शूट करता हूँ, इसी तरह से शुरुआत भी होती है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, कल इस पेड़ की टहनी, बहुत बड़ी टहनी हमारे मेन डोर के सामने आकर ऐसे धपाक से गिरी, तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। वो मैंने अभी साइड में कर दिया, जहाँ पर मेरी कार पार्क है ना, वहाँ पर वो मैंने कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ वो। तो गाइज़, ये है मेरी कार, और ये जो टहनी है ना, वो सीधा हमारा यहाँ पर मेन डोर है, वो यहाँ सामने आकर गिरी थी। जो बारिश आई थी ना कल, बहुत बहुत ज़ोर की, बस 10 से 15 मिनट चली, लेकिन जो आई थी बारिश उसका कोई मैच ही नहीं है। और साथ ही साथ वो बहुत ही हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो थोड़ा डर सा लग रहा था, पर आज बहुत ही शांत है। लेकिन अभी भी ये देखो, मौसम चेंज हो रहा है, सुबह धूप निकल कर आई थी, अभी ये है, शायद आज भी फोरकास्ट है, आएगा बारिश का पानी, आएगा ज़ोर से आएगा, देखते हैं अभी कैसा है, कैसे होता है। हाँ तो गाइज, अभी सोकर उठा हूँ, अभी बजे है ऑलमोस्ट 6 बजे। हुआ क्या, ये सर्दी होने के बाद में जो मेडिसिन होती है ना, उसमें सब होता है पैरासीटामोल,
उससे तो भाई मुझे बहुत 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 ज़्यादा नींद आती है। कुछ लोगों को कम आती है, कुछ लोगों को ज़्यादा आती है, मुझे बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं सो गया था, अभी भी आवाज़ थोड़ा थोड़ा भारी है मेरा, वापस आएगा। गर्म पानी पी रहा हूँ और तो ऐसे ही सोचा कि यार चलो बहुत देर से बात नहीं किया तो आपसे बात करता चलूँ, क्योंकि अच्छा लगता है आपसे बात करना। वही शेयर करना था। अभी अभी उठा हूँ, दो ढाई घंटे सोया मैं यार, कब नींद आई। मैं फ़ोन पर पिक्चर देख रहा था तो मेरी आँख लग गई, तो अभी अभी उठा हूँ। बस यही अपडेट देना था। आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट में बोल दो मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ कि पैरासीटामोल खाने के बाद में तुरंत इतनी बढ़िया नींद आती है। तो गाइस, दोपहर के सोने के बाद में अभी नहा कर वापस ऊपर आया हूँ यार। काफ़ी नहाने का मन कर रहा था मुझे, क्योंकि यार बहुत आलसी फील कर रहा था, बहुत लेज़ी फील कर रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अगर इस स्टेज से बाहर आना है तो एक ही चीज़ मुझे बाहर ला सकती है, और वो है शॉवर। तो इसलिए नहाया, अभी मस्त लग रहा है, परफ्यूम वेफ्यूम मार के अच्छा स्मेल कर रहा हूँ। अभी नीचे जाएंगे क्योंकि आज है नवरात्रि की पहली आरती, तो थोड़ी देर बाद वो करेंगे। फिर आज प्रसाद में क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी फेवरेट चीज़ है आज। तो गाइस, अभी अभी आरती हो चुकी है और प्रसाद में नारियल की बर्फी, उसमें है गुलकंद, काफ़ी बढ़िया टेस्ट कर रहा है। वैसे तो हफ्ते में मंडे से मैं बहुत ही बीमार था, इसलिए खाया बहुत कुछ, डाइट का कुछ ख्याल नहीं रखा, तो चलता है। तो गाइज, चलो अभी ब्लॉग को करता हूँ एंड, क्योंकि अभी अभी मैंने जो मेरा लास्ट डोज था मेरे कोल्ड एंड कफ के मेडिसिन कोर्स का, तो मैंने आखिरी डोज वो ले लिया है। और इमीडिएट मतलब 10 मिनट बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आनी शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं हुआ, पर आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत तो किया 3 दिनों के बाद, हाथ में फ़ोन का कैमरा पकड़ कर आपसे बोल रहा हूँ वापस से, तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली कल ही करना चाहता था, लेकिन यार मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जैसे कि आप अभी भी सुन सकते हो कि काफ़ी भारी सी है आवाज़। एक दो दिन लग जाएंगे और पूरी तरह वापस आने में मुझे लगता है कि एक हफ्ता और लग जाएगा। तो गाइस, बजे 10:30, नींद काफ़ी आ रही है मुझे, तो करता हूँ यहीं पर ब्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर नहीं भी लगा हो तो मान लो अच्छा लगा होगा। कभी कभी ऐसे भी करना चाहिए। तो गाइस चलो, दिस इज योर फिट ऋषि साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सॉरी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो गाइज, इसी के साथ चलता हूँ और हमेशा के 4 वर्ड बोल कर जाता हूँ, कौन से? गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू वेरी 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 सून।